सोसाइटी में होली सेलिब्रेशन, जो कि हर एक सेलिब्रेशन, हर एक जो फेस्टिवल होता है, हर एक चीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, पर इस प्रोग्राम में हम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि मिथुन को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और जब मिथुन नहीं जाते तब मैं अकेले अच्छा नहीं लगता। और आर्यन को भी मतलब मना किया है मिथुन में जाने के लिए, पर यही एक चीज़ है जो कि मिथुन मना करते हैं क्योंकि क्या एलर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और एवरी ईयर एग्जाम के अंदर होली पड़ते, तो यही प्रॉब्लम है। तो बस यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब शादी से पहले तो हम इतना ज़्यादा मस्ती करते थे सारे फ्रेंड्स मिलके, पर शादी के बाद आज 10-11 साल हो गए मैं होली नहीं खेली। हैप्पी होली। तो होली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। फिलहाल आज तो हम होली नहीं खेलने वाले, तो इसके लिए थोड़ा सा भी दुख हो रहा है हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर से तुम जरूर खेलोगे, ठीक है? अभी तो कुछ दिन पहले ठंड लग गई थी आर्यन को, तो वो भी एक डर है कि जब आर्यन मित्र का तबीयत खराब था उस टाइम में आर्यन को भी काफ़ी सर्दी खांसी हुआ था। तो बाय द वे होली बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप सब, मुझे पता है कि आप लोग होली खेल रहे हो, और जब ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक आप लोगों ने होली को फुल्ली मस्ती कर लिया होगा। तो हम भी होली को मस्ती कर रहे हैं हमारे कुकिंग के थ्रू, तो कुकिंग मिठाई है ना बाबा। तो आर्यन भी आज खिचड़ी खाने वाले हैं, वैसे ये सब चीज़ आर्यन को इतना पसंद नहीं। हाँ, ये खा लो। तो आज भोगर खिचड़ी आर्यन को भी बहुत पसंद है। चलिए शुरू करते कुकिंग, क्योंकि अभी जबकि मैं ये ब्लॉग स्टार्ट किया है तो अभी टाइम हो चुका है 11 o'clock। तो 11 o'clock से अभी अगर थोड़ा सा भी लेट करूंगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा लंच करने में। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो आज हमारे घर में लंच में बन रहा है खिचड़ी, यानी कि भोगर खिचड़ी जैसे बनाते हैं, और 5 types वेज फ्राई, वेजिटेबल फ्राई, बैंगन पराठो, फिर क्या परवल, करेला, ग्रीन बीन्स, ये सारे, और उसके साथ बन चुका है ऑलरेडी फिरनी एंड ठंडाई। और हाँ, एक चीज़ आपको बोलनी थी कि ठंडाई मैं बनाने गई और रिकॉर्ड भी किया उसको, पर वो दूध फट गया, तो पूरा ड्राई फ्रूट आपने देखा कि कितने सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यूज़ की थी, सारे खराब हो गए, सारे मतलब बर्बाद हो गए, और दूध तो गए, तो ठंडाई आज नहीं होगा। और आज मैं बाहर जाना नहीं चाहती इस टाइम में, तो ठंडाई रेडीमेड मिलता है वो मैं लेके ज़रूर आती हूँ, मैं तो वही किसी और दिन। दूध को अच्छे से बॉयल करना पड़ता है, जब ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद ऐड करना है सारे ड्राई फ्रूट मिक्सचर। ये ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट है जो कि मैंने कल रात को सारे भिगो के रखा था, तो अभी इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और अभी ये जो सारे ये कप पे लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसमें कुछ काली मिर्च भी थी। और अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इसमें कुछ इलायची और कुछ दालचीनी मैं इसमें डाल दूँगी, और अभी इसमें एक उबल आ जाए उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी और अच्छे से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसे फ्रिज में डालना है और उसके बाद ही इसे पीना है। बहुत अच्छा हुआ था, पर जबकि सिनेमन स्टिक मैंने उसमें दिया इंस्टेंटली वो फट गया, पता नहीं कैसे। चावल और दाल यहाँ पे मैंने भिगो के रखा था, और मूंग दाल पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया उसके बाद दोनों एक साथ भिगो के रखी थी, और अभी तो दो अच्छे से थोड़ा बहुत मतलब ड्राई हो चुका है क्योंकि इसे ड्राई करना है, क्योंकि इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने दिए है मस्टर्ड ऑयल और इसके अंदर मैं इसे फ्राई करूंगी थोड़ी देर के लिए। हम बना रहे हैं कुछ और, यानी कि खिचड़ी में देने के लिए कुछ प्रिपरेशन यहाँ पे हो रहा है। कोकोनट फ्राई करूंगी, फिर इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड करनी है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें अभी ऐड करनी है, तो खिचड़ी में वो असली टेस्ट आएगा। इसमें मैंने दी है क्यूमिन सीड्स, फिर बे लीफ, कोकोनट, क्यूमिन सीड्स पाउडर, रेड चिली पाउडर, तो ये सब चीज़ें एक साथ
ऐसे मैंने थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, तो अभी मैं खिचड़ी के साथ इसे मिक्स कर दूंगी। बाय द वे सब आके कलर डाल के चले गए, फिर भी बहुत ही छोटा सा दिया, जब आए तो मतलब बिल्कुल भूत बना के चले जाएंगे, पर नहीं थोड़ा सा गुलाल दिया। बस अभी मैं इसे क्लीन करके आती हूँ क्योंकि मेरा खाना भी बन रहा है और आर्यन चले गए क्लीन करने। और थोड़ा सा पानी चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा ही गाढ़ा हो चुका है। मैं जानती हूँ कि खुद की तारीफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मैं कर भी नहीं रही हूँ, पर मतलब फॉर्चुनेटली ये खिचड़ी इतना अच्छा बना है ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था और शुगर सॉल्ट सारे मसाला इतना परफेक्ट था, लगता है कोई कोई बड़ा सा पूजा या बड़ा सा कोई फेस्टिवल हो रहा है पूजा के, और वहाँ पे कोई प्रोफेशनल जिसे कहते हैं कि ठाकुर, हम जो भोग बनाते हैं उसे हम ठाकुर कहते हैं, जो घर में आके खाना बना के जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि उनके हाथों में उनके हाथों से बनाया हुआ खिचड़ी बहुत ज्यादा अमेजिंग हुआ है। मैं खुद की तारीफ नहीं करी हूँ, पर ऐसा बोल रहे हो कि किस्मत से आज हो गया इतना अच्छा। इनको थोड़ा सा पतला खिचड़ी ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ वो जो टाइट हो जाता है ना, मैंने अभी अभी जो हुआ था मेरे साथ तो वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी और इसमें ऐड कर दिया है, और शुगर और सॉल्ट इतना परफेक्ट हुआ है कि कभी भी मेरे हाथ में सॉल्ट परफेक्ट नहीं होता, ज्यादा या तो कम हो जाता है, पर आज बहुत अच्छा बना है। मैं आपको करीब से नजदीक से दिखाती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा कैशू नट्स दिया है, थोड़ा सा अगर किशमिश यानी कि रेजिन्स अगर मैं देती तो अच्छा होता, पर मिथुन को वो पसंद नहीं है। थोड़ा सा कोकोनट भी दिया है जिसमें और भी अच्छा खुशबू आ रहे, जैसे कि भगवान के भोग में चला जाता है बिल्कुल ऐसे। और कितना गाढ़ा हुआ है ना, गाढ़ा मीन्स जैसे कि होना चाहिए, पतला सा एकदम वो भी नहीं और एकदम ठीक, मतलब ऐसे केक जैसे कटना पड़ेगा ऐसा भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और इसका टेस्ट तो मतलब मुझे लगता है कि कैमरा से आप सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूं। और ये जब हो चुका है तो अभी मैं झटपट बना लूं ये सारे फ्राइज, ये फ्राई कर लूं, फिर हमारा लंच प्रिपरेशन हो जाएगा। आर्यन हाँ। ये तुम्हें सांता कोरोना होगा, गीजा चली रखो, सांता कोरोना आर्यन का शाल ना हो जाए, उसके बाद हम लंच भी कर लेंगे। मिथुन आ गए हैं और अभी है इवनिंग के टाइम, तो आपको तो पता चल ही गया होगा ये मेरे घर का लाइट और अंधेरा ये सब देख के, स्पाइडर देख के नहीं, स्पाइडर देख के पता नहीं चलता। अच्छा ओके, तो अभी अभी जस्ट मैंने एक वीडियो का शूट किया और वो
करते हुए मिथुन आ गए थे, और आने के बाद मैंने सोचा कि मिथुन फर्स्ट मेरे हाथों के बनाए हुए खिचड़ी टेस्ट करेंगे। और खिचड़ी टेस्ट करना तो दूर की बात है, कोथाकर मिष्टी है ना, कांति स्वीट्स को ज्यादा पसंद किया। कांति जी के दरबार में पहले दिया नहीं मुझे, मुझे दिया नहीं और बोल रही है टेस्ट करेंगे। मैं आया, वो काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। मैं जब फोन किया था ना मिथुन लंच टाइम में, तो उस टाइम मैंने बोला था कि मिथुन आज खिचड़ी इतना अच्छा हुआ है ना कि लगता है कोई प्रोफेशनल जो बनाते हैं ना, तो उनके। फिर आने के बाद तुम्हें सबसे पहले जाना चाहिए था किचन में, पर तुम यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रुक गए क्योंकि वापस आए मिठाई के पैकेट्स। हाँ, मैं जाके किचन से खाना लेके ये करूंगा, फिर जाके तुम बोलोगी कि किचन गंदा किया। अभी कांति स्वीट से भी जेलस हो रही है, आपके हाथों के बनाया हुआ सब अच्छा लगता है। ओके, इसकी बोलने का क्या वैसे पूरा पूजा खिचड़ी हो तो ओके। तो इतना सुनाने के बाद आप जाके खिचड़ी लेके बैठे, वो भी मैंने ही दिया। हाँ, तो तुम अपने मुंह से बोलो कि कैसा हुआ। आरो भाजा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। आरो भाजा ओ जो ओटा जेटा रोचो खंती नहीं ना भाजा नहीं को था शुद्ध आलू छड़ा के चुके दर्जन में पटल रोचे पटल खा तना आलू। সাদা রুপাল ইতনা স্যাক্রিফাইস প্লিজ মত কর কারণে মে জব আউি না তো উস টাইম সারে শপস বন্ধ হো চুকে হোগে আরিয়ান বহানা পকড়া হিসে খানা পিনা ঠান্ডাই ঠান্ডাই পিনা ক্যুকি ও ঠান্ডাই হো চুকা একদম तो उसे भी ठंडे पीना। तो मैं तुमके साथ जा रही हूँ, पहले हम जाएंगे बिग मार्केट, वहाँ पे अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे लुलू। लुलू के पास में तो है वो कल्ट, तो इस तरह से। तो ये है 9 o'clock का स्लॉट यहाँ पे मैं जा रही हूँ, और मेरा ये जो पेट है ना, तो ये पेट देखने के बाद मुझे कल से कहा गया कि खबरदार 9 o'clock से पहले अगर हमारा कार्ट में घुसा भी तो कितने मुश्किल से ऋतिक रोशन हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, तुम किस तरह से बर्बाद कर रहे हो। कोई अगर तुम्हें देखेगा कि सोमवारी मतलब इस औरत ये लेडी एवरीडे कल्ट में आ रहे जा रहे फिर भी इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो सब डिमोटिवेट हो जाएंगे और उनका मार्केट चला जाएगा मेरे वजह से। तो इसलिए 9 o'clock का स्लॉट हमने एवरीडे मुझे जाने के लिए कहा है, तो आज मुझे भी जा रहे हैं मेरे साथ। बस दो या तीन ही रहते हैं 9 o'clock के स्लॉट में, तो नो प्रॉब्लम। अगर मेरी वजह से उनका बिजनेस अगर घाटे में चलेगा तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नाइट आउल है। नाइट आउल नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। नाइट आउल ये नाइट आउल है, नाइट में वर्कआउट करेगी, नाइट में काम करेगी बैठे बैठे। सुबह रात में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर सुबह में मेरे आंखें नहीं खोलते। आर्यन को स्कूल भेजने के बाद मैं फिर से सो जाती हूँ, पर हाँ जब काम का प्रेशर ज्यादा रहता है तब मैं नहीं सोती, पर कभी कभी सोती। आज इन लोगों ने ठंडाई बनाएगा बोला था, पूरा ठंडाई खराब खराब किया नहीं, खराब हो गया एक्चुअली। तो अभी मिस्टर आर्यन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ठंडाई पीने के जिद पकड़ा है कि मुझे ठंडाई पीना है, ठंडाई पीना है। तो अभी डैडा का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है ठंडाई बनाने का, तो मुझे तो बनाना नहीं आता है कुछ कुछ। एक ठंडाई मिक्स है, केसर ठंडाई मिक्स है। क्या नाम है, गुरु कुछ है, जो भी है एक ठंडाई मिक्स है, और क्रश आइस लिया है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता अच्छा होगा कि बुरा होगा क्या होगा। इसमें थोड़ा सा ठंडाई मिक्स डालना है,
अभी मैं पहले छोटा ग्लास में ट्राई कर रहा हूँ, अगर मिस्टर आर्यन ने बोला कि ठीक ठाक बना है और उसका मम्मी को भी ठीक ठाक लगता है तो फिर बड़ा ग्लास में ट्राई करना है। কতটা কি দিতে বলেছে এটা? দুধ এনেছ নাকি দেবো? আমন্ড মিল্ক কে ট্রাই করি? আমন্ড মিল্ক দাও। হ্যাঁ দাও। আমন্ড মিল্ক में अगर अच्छा नहीं होता है तो नॉर्मल में ट्राई करेंगे। आमंड मिल्क का अच्छा वाला था होते बारे आमंड मिल्क जो माने और ये मैं इन लोगों के लिए आमंड मिल्क लेके आया था। आर्यन कैन यू ब्रिंग अ स्पून? ये कितना एक्साइटेड थी बनाने के लिए। मेरे को ऑफिस मुझे ऑफिस में फोन करके बोली कि मेरा ठंडाई खराब हो गया। एंड मूड भी बहुत बुरा लगा, मतलब बुरा नहीं सैड लगा। तो इसीलिए मेरे को लगा आर्यन भी बोल रहा है ठंडाई खाना ठंडाई पीना है। बंगाली लोगों को सब खाना होता है एक्चुअली, बंगाली लोग कुछ पीता नहीं है। पी के बताओ, पूरा मत पीना, थोड़ा मम्मी को भी देना। How is it? Very very good. Very nice. Cold. Cold না, জ্বলছে। জ্বলছে? Type. Because of cold? আচ্ছা তুমি খেয়ে দেখো। এমনিতে একটু spicy হয়, ঠিক আছে ঠান্ডা এটা দিয়ে কারণে। তুমি চিনি দিয়েছো নাকি? না না, চিনি দাওনি তো, সুইটার আর দরকারই নেই, একদম পারফেক্ট হয়েছে। শেষ করো, আরিন খাবে না বলছে। তুই খাবে না? খাবি? আরিন খাবে। এন্ড আপ লোক কুছ আনহাইজিনিক মত বলনা, হাম লোক তিনো শেয়ার করকে খাতে হ্যায় এসে। আচ্ছা তোমার গ্রিন কফিটা কি আমি সুইট অফ করে দেব? বাবু একটু ইয়ে খাবি তো, খিচুড়ি খাবি তো? একটু একটু বাবু একদম কিছু না খেয়ে শোন। সেটা আমাকে বলেনি, তোমাকে বলেছে। আর্যন, ট্রাই। Which one is better? Previous one or this one? Try. ঝালটা একটু কম এটাতে লাগছে, তাই না? এটা সুইটেন, ওটা নন সুইটেন, আনসুইটেন দেখো। দিস ইজ গুড। নরমাল আপ লোক না আমন্ড মিল্ক মে মত কিজিয়ে, নরমাল মিল্ক মে কিজিয়ে। বাট আমন্ড মিল্ক কফি, আমন্ড মিল্ক সে কফি জরুর পিনা, জরুর পিনা। চলো চায় আর কফি কে লিয়ে আমন্ড মিল্ক। ও এটা আচ্ছা নেই হয়ে সকতা, জো অ্যাকচুয়ালি চায় আর কফি লাভার উড কে লিয়ে মে বলতো। ये हो गया, इन लोगों को ठंडाई पिला दिया मैंने और मेरा हमारा दिमाग गर्म ही कर दिया। मेरा गर्म ही है। क्या है? गर्म है एक्चुअली, मतलब ग्रीन कॉफी विथ सिनेमन एंड इलायची। और अब अगर फोकस करता हूं मैं इसको देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों ये नहीं चाहती है इसमें जाऊं, किचन में जाऊं। अभी आप लोगों को पता चलेगा। दिखाई दे रहा है? इधर बैठ के सिर्फ ठंडाई बनाया, उसमें इतना गंदा किया, इसीलिए ये नहीं चाहती है कि मैं किचन में जाऊं।
मिथुन का किए करा है पर ठंडाई फेंक दिया, किए करा है पर ठंडाई फेंक दिया। एग्जाम है उसके बावजूद भी अभी भी ये जागी हुई है। कब से मैं बोल रही हूँ कि जाओ जाके सो जाओ। सो जाओ बाबा, सुबह में उठने में जब इतना तकलीफ होता है तो बार बार मैं बोलती हूँ कि रात को तो जल्दी से सो जा। नहीं, एग्जाम के टाइम में भी नहीं। बाय द वे हम तो अभी जा रहे हैं सोने, तो मिथुन अभी कुछ काम कर रहे हैं और मिथुन का काम हो जाए उसके बाद हम जा रहे हैं सोने। तो इस ब्लॉग को भी मैं ये पेंट कर, एंड वंस अगेन हैप्पी होली। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। बोला देशो बाय।